तो इनको शासन सख्त मान करके जो श्रावक आदिक पूजन विधान करते हैं इनका, वो सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण नहीं है। और तत्कुर्वतश्च वैसा करने वाले के प्रति दर्शन पक्षपातात्, जिन दर्शन या जैन दर्शन के पक्षपात के कारण वरम अयाचितम अपिताह प्रयच्छन्तीव, एक वो है जो वरदान प्राप्ति की इच्छा से इनको प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहा है, और एक वो है जो इनके पूजन विधान कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये इनको जिन शासन में आसक्त मान करके इनके पूजन विधान आदि करता है। तो अभिप्राय में भेद है, एक लोभवश कर रहा है, एक वात्सल्यवश कर रहा है। तो लोभवश की जाने वाली पूजा मूढ़ता है, और वात्सल्यवश की जाने वाली पूजा सम्यक की मलिनता का कारण नहीं है, बल्कि आचार्य कहते हैं कि ऐसा करने से वरदान मांगो या न मांगो, न मांगने पर भी वो स्वयं दे ही देते हैं। जो भी आपको इष्ट है वो सब मिलता ही है, अगर आप अच्छी तरह से विधिवत जो भी इसमें बताया है शास्त्र में वैसा करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। तो फिर कहते हैं तदाकरणे, अगर आप वात्सल्य से की जाने वाली उनकी पूजा नहीं करते, तो अकरणे न करने पर चेष्ट देवता विशेषात फल प्राप्तिर निर्विघ्नतो झटिति न सिद्ध्यति। तो जो अपने इष्ट देवता विशेष हैं, जैसे मान लो मुनि सुव्रत भगवान की कोई आराधना कर रहे हैं, तो उनसे जो फल प्राप्त होने वाला है वो निर्विघ्न रूप से झट अर्थात अल्प काल में न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि विघ्न डालने वाले भी बहुत सारी शक्तियां होती है। और यदि आप इनके प्रति वात्सल्य रखते हैं तो उनको लगता है कि देखो सम्यक दृष्टि जीव है, जिन भक्त है दूसरे जिन भक्त की उपेक्षा नहीं कर रहे, मौका पड़ने पर वो भी आपकी पूजा कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो आप उन देवताओं के द्वारा भी नमस्कार के योग्य बन जाओगे। अभी आप उनके लिए सम्मान दे रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, उनके पूजा विधान आदि कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनसे संसार मांग रहे हैं? नहीं, आप उनको जिन शासन में आसक्त जान करके उनका सत्कार कर रहे हैं। एक बात दृष्टांत के रूप में